हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम दो बातों को डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पास आउट हो चुके हैं तो पहली बात आप हमेशा अपने स्कूल्स को याद करते हैं। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो उन पलों को याद करते हैं जो आपने स्कूल में बिताए हैं। और दूसरी बात, आप उन एजुकेटर्स को याद करते हैं, उन टीचर्स को याद करते हैं जिन टीचरों ने आपकी पिटाई की हो, और वो टीचर जिनको आप दिल से प्यार करते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही एजुकेटर और एक टीचर जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो हैं विक्रम हैप केमिस्ट्री। सर का नाम विक्रम हैप केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग नाम है। मैं इनको टीचर और एजुकेटर दोनों ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि टीचर ये इसलिए हैं क्योंकि ये इंडिया के लाखों बच्चों को, भारत के उन बच्चों को जो दूर दराज गांव में बसे हुए हैं, जो बिहार यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। और साथ के साथ मैं इनको स्टूडेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एक टाइम में प्रदीप सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। चलिए सर से बात करते हैं उन्हीं टॉपिक पर, कुछ उन यादों पे जो सर आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सर प्लीज बताएं सर अपने बारे में कुछ, और वो यादें सर जहां से आपने अपना करियर स्टार्ट किया सर। अब ऑनलाइन करियर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2018 से स्टार्ट हुआ, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 2016-17 के आसपास पहली बार अचानक मुझे प्रदीप सर दिखाई दिए और वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। उनके जो बोलने का टेक्निक है, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को समझाने का जो टेक्निक है, पता नहीं, वो एक अट्रैक्शन पैदा करती थी वो। तो एक दिल में बड़ी तमन्ना थी कि मैं प्रदीप सर से मिलना है मुझे। और मेरा तो फिजिक्स रहा नहीं, पर आप ये एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, फिजिक्स के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है और वो आकर्षण शायद आप कभी मेरे घर आए या मेरे इंस्टीट्यूट आए तो नज़र आएगा। यहाँ तक कि जितनी भी मशीनें बनाता हूँ, जो भी मैं एक काम करता हूँ, मुझे इन्हीं फिजिक्स से मिलती है बातें, क्योंकि आप केमिस्ट्री में एक खेल सकते हो, आप केमिस्ट्री में एक बड़ा छलांग लगाना पड़ता है, एक ज्यादा व्यू देख करने पड़ते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट से पहले ही वो अपने आप कई अनुभविक रूप से एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। और वो चीज जब प्रदीप सर की बात आई, तो जब मैं प्रदीप सर को देखा कि किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो ये लगा कि जो मेरे दिल की बात कह रहे हैं, एक ऐसा आदमी जो फिजिक्स बच्चों को एक जमीनी लेवल पे सिखा दे। ऐसा नहीं करते थे कि वो बहुत हैवी होकर के उस चीज को पढ़ा रहे हैं या एकदम हाई लेवल पे जा रहे हैं। किसी भी बच्चे को पहले वो एक सपोर्ट देते थे नीचे से, फिर उसके बाद उनको खड़े करने की उनकी आदत रही। और सबसे बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है उसको बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, और वो एक उसका जो फेस में जो आता है ना, जो उसकी वॉइस में आती है ना, एक क्वालिटी, वो हड़बड़ाते नहीं कभी, एकदम शांति से हर चीज को लेते हुए आगे बढ़ना, वो मुझे एक इतना अट्रैक्ट करते थे। फिर बात हुई कि वो YouTube पे थे, मैं नहीं था ना, बिल्कुल मैं YouTube पे नहीं था उस टाइम पे। YouTube क्या होता है ये शायद मुझे पता भी नहीं था, और कैसे वीडियो डाला जाता है ये भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, वो सर का जो है, वो जो मैंने टेक्निक देखा, साथ में शायद वो मेरे धीरे 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 मेरे लिए दिल में घर करते गए, और मेरा वो एक मैं उनको एक शिक्षक की तरह मानने लगा। फिजिक्स में एक सबसे बड़ी कमी रही मेरे स्कूल में, मेरे अपने फिजिक्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट टीचर थे उससे मेरे झगड़े, और शायद यही रहा कि वो जब बताते थे, वो टीचर हमारे स्कूल के जो टीचर थे, मेरे झगड़े उनसे झगड़े। तो सर ने एक दिन मुझे कहा कि अरे मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझसे झगड़े करते हो? तो मैंने उनके एक बात बोला कि सर, पर आपको फिजिक्स नहीं आती है, क्योंकि अगर आती तो आप प्रैक्टिकली उस चीज को सही करते, उस लेंस को सही तरह से अरेंज करते, उस ओम के नियम को सही तरह से पढ़ाते, शायद ऐसा झगड़ा हुआ उनके साथ कि वो कम से कम हफ्ते मुझसे बात नहीं किया। तो फिर मुझे फिजिक्स से कोई ऐसा दोष नहीं हुआ, मतलब फिजिक्स से मुझे कोई रोष भी नहीं था कि उससे मैं हटूं। मैं फिजिक्स को अपने से बहुत ज्यादा स्टडी किया, लेकिन जब ये प्रदीप सर को मैंने देखा, मैं बोला यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत जगह पैदा हो गया, क्योंकि फिजिक्स को मैं अपनाने वाला था जो जिसे मैंने छोड़ा। क्योंकि आपको पता होगा, जब हम बायोलॉजी में जाते हैं और केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो काफी हद तक फिजिक्स छोड़ जाती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रियल में फिजिक्स जो है आम जीवन की कहानी है। आम जीवन में होने वाली घटनाओं को हम कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स की भाषा में जब बोलने लगते हैं अगर साइंस को, तो फिजिक्स होती है।
बहुत और आप सब बढ़िया सर, जानते हो बहुत कि बढ़िया। आप सब ट्रू जानते सर, हो कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री को मैं जिस लेवल पे लेके चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं शायद इसमें प्रदीप सर का भी योगदान रहा होगा कि वो मेरे अंदर रहा और मैं उस शांति को उपयोग किया मैंने। मैं बताता हूँ, आपने मुझे देखे होंगे दो तरह के क्लास लेते हुए देखे होंगे, या कई बार अलग अलग तरह से क्लास देखते होंगे। कभी एकदम बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता हूँ, कभी बहुत ज्यादा एकदम शांत पढ़ाता हूँ कहीं कहीं पे। ये जो अलग अलग जो चीजें आती है ना, कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेटर जो हमको एजुकेट करते हैं, हमारे जो टीचर हैं उनकी क्वालिटी को लेके चलते हैं। हम ये देखते हैं कि एब्सोल्युटली किसी सर। टॉपिक और हाँ सर हाँ, मैं सर यहाँ पे इसमें आपकी एक बात आता है। इस चीज में सर, आई एम सो हाँ सॉरी, हाँ मैं आपको बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी ये जो आप जी बात कही है सर कि कहीं ना कहीं जिनसे हम सीखे हुए होते हैं और जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, उनकी जो जो क्वालिटी है सर, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। ये इम्पैक्ट करती बिल्कुल है सही है सर। वो, और यहाँ पे मैं वो उन बच्चों को व्यक्तित्व, भी प्रैक्टिस कर, हाँ जी व्यक्तित्व। सर, एग्जैक्टली सर। और यही चीज सर कहीं ना कहीं इस पूरी YouTube इंडस्ट्री में आज के टाइम में जितने भी एजुकेटर हम यहाँ पे बिल्कुल देखते हैं, कहीं ना कहीं हर एक एजुकेटर के मुंह से या उनकी वीडियोस में मैंने एक वर्ड जरूर सुना है कि उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग की है, जो 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 YouTube पे आना या ऑनलाइन आना, वो सब कुछ एजुकेशन को यूट्यूब पे लाना। प्रदीप सर से कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड रहे हैं, उनसे इंस्पायर रहे हैं, और वो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी। और आज मैं आपकी आवाज से सर वो फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो एक्साइटमेंट है बताने की, और जिस तरह से आप ये चीजों को बाहर से अपनी पूरी एनर्जी से और अपनी एक्साइटमेंट से बता रहे हैं कि हाँ मैंने सर से ये सीखा ये सीखा, दिस इज कॉल्ड लव अबाउट योर एजुकेटर। ये वो प्यार है जो आप कभी नहीं छोड़ सकते जिसे आपने सीखा है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा सर। हाँ जी सर, आपको पता है तरुण सर, आपको पता है, अब मुझे जहां तक लगता है कि जुलाई में किसी तारीख को आपने मुझे कॉल किया और बताया कि प्रदीप सर नहीं रहे। सर हाँ, आपको वो आई पता है थिंक मैंने वो उसके दिसंबर बाद क्या हुआ, उस की टाइम बात की क्लास सर। ले हाँ जी जी दिसंबर की जो भी टाइम रहा, लेकिन उस दिन आपको पता हो मैं क्लास में था, मेरी क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास चल रहा था। तकरीबन 80-90 स्टूडेंट कुछ बैठे हुए थे मेरे क्लास में। पहले तो मैं बैठ गया एकदम शांति से, थोड़ी सी आंसू और अपने गले की रौंद जो बोलते हैं ना, रुंध जाती आवाज, वो हो गई मेरी आवाज। और फिर उसके बाद फिर मैं उठा, सारे बच्चों को मैंने ये कहा कि प्रदीप सर नहीं रहे। कुछ एक बच्चे जो नहीं जानते थे वो पूछे, सर वो है कौन? मैंने उनको एक लाइन कहा, बेटा आज जो मैं हूं, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं ऑनलाइन में, प्रदीप सर ने मुझे इस जगह पे इंस्पायर किए थे, उसका इंस्पिरेशन था कि मैं आज ऑनलाइन में हूं। और सर एक बात तो सोचो आप कि एजुकेशन को यूट्यूब पे लाने वाला इंडिया में, मुझे लगता है कि प्रदीप सर के अलावा कोई और नहीं रहे होंगे। नहीं रहे हैं वही सर। एक ट्रू शुरुआत है ना? और हम एक बात और मिस कर रहे हैं सर, हमारी इंडिया को ये बात सोचना होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को सोचना भी होगा कि हमने प्रदीप सर को हमने वो सम्मान नहीं दे पाए जो उनको मिलना चाहिए, रियल में मिलना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने, आप देखो सर उनकी वीडियोस की रेंज देखो आप, कितनी कहाँ से कहाँ तक कितने वीडियोस बनाए, इतने एनर्जी के साथ बनाए, और इस उम्र में बनाए जिस उम्र में वो थे, यानी वो यंग एज के लोग, मतलब स्टूडेंट यंग एज के टीचर्स थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे जबकि वो खुद भी उस एज में नहीं रहे हैं। हमारे लिए एक तरह से मैं बोलूँ कि हमारे टीचर्स के उम्र के रहे, हमारे अपने जो उन्होंने जब पढ़ाए हैं, और उन्होंने फिजिक्स को एक सम्मान दिलाने की कोशिश किया। सर फिजिक्स को तो सम्मान साइंटिस्ट देते हैं ये सच है, पर साइंटिस्ट के बाद टीचर सेकंड आते हैं जो लोगों तक पहुंचाते हैं इन बातों को, क्योंकि साइंटिस्ट तो अपनी भाषा में बोलते हैं पर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चों की भाषा में ट्रू लाते हैं, सर, लोगों की भाषा में लाते हैं, और उन्होंने टीचर्स को टीच किया सर, इसके सबसे बड़ी चीज है। अगर प्रदीप सर की बात करें तो उन्होंने टीचर्स को टीच किया, टीचर्स को एजुकेट किया, टीचर्स से उन्होंने एजुकेटर बनाया और आम लोगों को एजुकेटर बनाया। आपको पता होना चाहिए सर इस बात पे कि यही एक यूट्यूब है जिन्होंने यूट्यूबर पैदा किए, एजुकेटर पैदा किया, और उसने ऐसे लोगों को जिनको रियल में पढ़ाने में तकलीफ हो रही थी उनके लिए इन्होंने आसान कर दिया, यूट्यूब ने आसान कर एब्सोल्युटली दिया। सर। और
प्रदीप सर ने आसान कर दिया पढ़ाई सर सर मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। ये जैसा कि हमने अभी भी बताया था कि YouTube पे जो एजुकेटर हैं कहीं ना कहीं वो सर की इंस्पिरेशन रहे हैं, और जो जो सर ने फिजिक्स में एक्सप्लेन कर दिया है सर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कंटेंट या इस वे में जो कंटेंट एक ऐसी लैंग्वेज में जो हर एक गांव का बच्चा, एक हर एक बच्चा अपनी दिल से उससे फील कर पाए, वो शायद ना कोई बना पाया है और ना कोई बना पाएगा जिस तरह से सर ने यहाँ पे काम किया है 101% सर। तो सर साथ के साथ मैं कुछ ऐसी बातों को भी याद करना चाहूंगा सर। आपको याद है कि हम जब जब लास्ट टाइम मैं आपके पास था तब सडनली आपने आपने मेरे को प्रदीप सर के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि सर वो आज आज रायपुर से रायपुर आने वाले हैं रायपुर आने वाले हैं तो जैसे आप भी रायपुर से हैं, तो कैसे सर हम मतलब 60 किलोमीटर दूर गए मिलने, और आप सर बार बार मुझसे एक क्वेश्चन आपने ये किया कि सर मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, और पूरी फैमिली साथ में गई सर से मिलने। वो पल सर बहुत अच्छे थे, और कैसे सर के साथ एक होता है सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस इंसान को आपने डायरेक्ट नहीं मिले हैं कभी, इनडायरेक्टली उसको आपने अपने दिमाग में इमेजिन किया हो और भले इसकी फिगर या फोटो देखे हो, जब वो आदमी सामने आता है तो आपको कुछ कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, और उस आदमी की पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत कि उस पर सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ है, तो ऐसे लगता है कि कोई गॉड आ रहा है, कोई भगवान आ रहा है ना, तो एक फीलिंग, एक झंझनाहट सी। तो सर आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे उनसे मिलाए, और आज भी उनके बारे में बातें और ये जो बातें याद करा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर हम उस दिन पहली बार मिले और उनकी वाइफ मैडम जी से भी हमने मिले, और उन्होंने कितनी बढ़िया से बात की हमसे, और उनमें जब हमने बातें की तो वो सारी चीज़ें लगी कि वो उसके लिए डिजर्व करते हैं, वो सर हैं इस बात पे हमने। और मैं आप स्टूडेंट को भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार प्रदीप सर की वीडियोस देखो, और आप एक बार देखोगे ना तो शायद मुझे लगता है कि आप इंस्पायर होगे। अगर आप मुझे मेरी वीडियोस अगर देख रहे हो बेटा, तो मैं बोलना चाहूंगा एक बार प्रदीप सर की भी देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार में ना समझ में आए तो मत सोचना कि समझ में नहीं, लेकिन याद रखना एजुकेशन है एक बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा रास्ता होता है तय करने के लिए, तो कभी भी किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखते हो तो उनके शुरुआत के वीडियो से थोड़ा सा आप जाते जाओ, शुरुआत से स्टार्ट करो, और एजुकेशन ऐसा होता है कि एक सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ने की चीज़ होता है, आप देखना कि उनकी हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। सर वो दिन मुझे अच्छे से याद है, पूरी आंखों में छपे हुए, दिमाग में छपा हुआ है, और शायद मेरे साथ ही वो यादें जाएंगी, और वो याद कभी, हाँ एक बात बोलूँगा सर कि आपने जो उनके मेरे साथ जो आपने अच्छा काम किए कि वो बड़े दिनों की तमन्ना थी, 2 साल 2.5 साल हो गए थे मिलने की तमन्ना थी, आपने बस चुटकी बजाया और हमें पहुंचा दिया, उनसे मिलाया। नहीं एक्चुअली सर वो पल ही कुछ ऐसे थे सर कि जब आपको किसी से मिलना होता है तो हाँ। एक कहावत भी है कि अगर आप दिल से किसी को चाहें तो पूरी कायनात आपको आपको साथ देती है, आपको साथ देती है। तो वही पल हुआ सर कि मैं आपके साथ था, साइड में सर का फोन आया हुआ था कि कहाँ पे हैं, सडनली आपने बताया कि मुझे प्रदीप सर से, मैंने आपको बताया कि सर वो तो अभी आ रहे हैं, देन सडनली हम एकदम वहां पे मिलने गए। हाँ। काफी अच्छे पल थे सर, और आज भी सर के साथ वो टाइम बिताया हुआ, और वो जो जो सर का स्किल था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक आवाज में और एक जो ठहराव था वो शायद मतलब आज तक मैं कभी कम, किसी में नहीं, हाँ, देख अपने पाया। बहुत कम पहचान लोगों में से हम नहीं देख हम पाते, नहीं किसी थे बहुत हम कम नहीं लोगों देख में पाते होते हैं। हम लोगों में एक चंचलता है जबकि उसमें ठहराव है, वो जिसको बोलते हैं ना सागर में जो सागर में ठहराव होती है वही ठहराव उसमें देखने को मिला था मुझे। एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली। तो सर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें भी चाहूंगा कि आप उन बच्चों को बताएं जो इस टाइम इस बेसिकली इस कोविड की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्कूल्स ओपन नहीं है, एक साइड जब हम बात करते हैं सर बड़ी मेट्रो सिटीज के स्कूल्स, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट
कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी साइड एक फेस देखें एजुकेशन का, जहाँ पे वो बच्चे जो भारत में हैं, भारत में मैं उन बच्चों की बात करता हूँ सर जो हिंदी मीडियम में है या सीबीएसई मीडियम में भी हैं, बट अपने गांव से 30-40 किलोमीटर स्कूल्स जाते हैं और वो स्कूल्स भी एक छोटे स्कूल्स हैं और फिर भी उनको ना ऑनलाइन की फैसिलिटी स्कूल्स की है और ना आसपास कोई अभी ट्यूशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, उन बच्चों के लिए क्या है सर जहाँ कोविड की सिचुएशन में चीजें अटकी हुई हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे इस टाइम में स्टडी करें और कैसे आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपरेशन करें सर? एक बात कहना चाहूंगा सर, आपकी इच्छा शक्ति सबसे बड़े मायने रखता है, एक स्टूडेंट के लिए या एक पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बात एक ही है। और सबसे पहले बात तो ओनली स्टूडेंट, अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये कोविड कौन सी चीज है, उंगली से मसलो, चुटकी से मसलो, मसल जाएगी। बात यह है कि उसकी ताकत अगर हमसे ऊपर हो रही है, मतलब हम कहीं कमजोर हैं अपने मन से, अपने मोरल से। दूसरी बात, अगर स्कूल से छुट्टियां मिल रही है तो आपके लिए सुनहरा वक्त होता है। मेरी सोच में यही कहता हूं कि अगर स्कूल से छुट्टियां मिल रही हैं, बहुत बढ़िया वक्त है। आप अपने तरह से एजुकेटर चुन सकते हो, अब अपनी टाइप का, अपने स्टाइल का, अपने रिक्वायरमेंट का आप एजुकेशन सेंटर चूज कर सकते हो। और ऑनलाइन में वही आदमी सक्सेस होता है जिसमें दम हो, जिसमें क्वालिटी हो, जो अच्छा दे रहा हो। क्योंकि आप समझो, एक स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, आप समझो बेटा कि आप एक टीचर के बारे में आप क्या जानते हो, आपके आसपास के टीचर हो या किसी बड़े इंस्टीट्यूट का टीचर हो उसके बारे में आप क्या जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो, क्योंकि वो एक दीवार लगा दी है अपने आसपास कि मैं चाहे जो करूं सामने वाले को तो पता ही नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, अच्छा पढ़ लिख के निकले वाले बच्चों को पता नहीं है कि वो टीचर क्या कर रहा है। अगर किसी बच्चे को पूछो कि सामने वाला टीचर कैसे पढ़ाता है तो हमेशा स्टूडेंट बोलता है या तो खराब या अच्छा। तो वो बच्चा जो कभी उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, या वो सब्जेक्ट से रिलेट है लेकिन उस सब्जेक्ट की गहराई नहीं जानता है, तो वो टीचर से इंफॉर्मेशन लेके ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो टीचर वो पेरेंट्स जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानता हो और वो उस टीचर को पढ़ाते हुए देखे और वो चूज करके बताए कि बेटा ये टीचर अच्छा है, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि किसी पेरेंट्स को अपने अपने क्लासरूम में बिठाए और मुझे चुन लो, यानी 10 टीचर आ करके अपना परफॉर्मेंस दे और मुझे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन में फ्री में सारे ऐप है जिसमें अवेलेबल है टीचर्स, यूट्यूब में टीचर्स हैं जो ऑनलाइन में आते हैं, वो यूट्यूब के टीचर्स हैं, उन टीचर्स को आप देखिए वो टीचर्स ने क्या करे हैं कि अपने चारों तरफ लगे हुए दीवार को गिरा दिए हैं और बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लासेस देखिए। और उसके बाद आप एक स्टूडेंट को कहूंगा कि आज अगर कोरोना है तो यूट्यूब में दिख रहा है आपको अच्छे अच्छे टीचर्स, उनमें से आप सेलेक्ट करो, अच्छे अच्छे ऐप्स दिख रहे हैं, एजुकेशन ऐप दिख रहे हैं, उसमें से आप टीचर्स चूज कर लो और जिनसे आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट करो और पढ़ो। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन की जो फीस है वो ऑफलाइन की फीस से भी काफी कम है, पैसे कम लग रहे हैं। ऑनलाइन की क्लास को आप 2 बार 3 बार 4 बार आप खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में एक बार टीचर ने पढ़ाया और घर में जाकर जब रिवीजन करने लगोगे तो दिमाग से वॉश हो जाता है, यार एक बार और कोई पढ़ा देता तो कितना अच्छा होता। ऑनलाइन की क्लासेस एक बार, दो बार, तीन बार, मन और लगता है 10 बार कर लो यार, करने का तो मौका मिलेगा। तो ये ऑनलाइन का एक, मैं ज्यादा लंबा बहुत सारे आपको फीचर्स नहीं बताऊंगा पर एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा, ये कोविड-19 ने लोगों को सिखाया कि एक्चुअली ऑनलाइन होता क्या है। लेकिन याद रखना, ऑनलाइन ने एजुकेशन को बदनाम भी किया है। आप इस लाइन पे भी मैं दो शब्द बोलूंगा, बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ ना, आप उसमें मीनिंग निकाल लीजिएगा आप, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑनलाइन ने बताया अच्छे एजुकेटर्स कौन है, ऑनलाइन ने बताया कि पढ़ाई ऑनलाइन भी अच्छे से कर सकते हैं, ऑनलाइन ने बताया कि आप बेहतर टीचर चूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ने बिगाड़ा भी कि ऑनलाइन खराब है, ये भी बताया इसने। कहाँ पे, वो टीचर जिनको पढ़ाने नहीं आता उनको आपने ऑनलाइन में झोंक लिए हो। आप इतने स्कूलों में देखिए, गवर्नमेंट ने कह दिया ऑनलाइन में पढ़ाना पड़ेगा, अब तभी आपको पेमेंट मिलेगा, टीचर्स आ गए ऑनलाइन में पढ़ाने, ना उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, ना उसके पास एजुकेट करने का तरीका है। अब वो टीचर ऑफलाइन बहुत खराब पढ़ा रहे होंगे तो पेरेंट्स को पता नहीं है,
अगर ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन में कोई टीचर खराब पढ़ा रहे, पेरेंट्स को पता नहीं, स्टूडेंट को पता नहीं खराब पढ़ा रहे, अब वही चीज अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगा करके भी अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, तो भी जो बच्चा जानता है या जो पेरेंट्स जानते हैं कि यार ये तो खराब पढ़ा रहा है, क्या हुआ, ऑनलाइन ने उन टीचरों का पोल खोला। लेकिन अगर वो पेरेंट्स ने ऑनलाइन को उतना ही देखा हो, तो सारे अच्छे ऑनलाइन के स्टूडेंट या टीचर, सारे ऑनलाइन के टीचर्स को, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो अपने आप ही गलत समझ लिए हैं। मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि ऑनलाइन में आइए, बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उनकी वीडियो पहले देखिए, अपने बच्चों को ऑनलाइन में लगाइए। और स्टूडेंट को कहूंगा कि बेटा आप फ्री के चक्कर में मत भागो यार, दो पैसे खर्चे हो जाए ना, तो टीचर्स को थोड़ा सा दान दक्षिणा मिल जाता है, गुरु दक्षिणा मिल जाती है, और उसके बाद अब देखना कि वो टीचर आपको कैसे पढ़ाते हैं। अरे कहीं भी हो भाई साहब, ये गुरु दक्षिणा बहुत महत्व रखता है। जब जब एकलव्य से कहा गया, एकलव्य ने कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूँ, द्रोणाचार्य हिल गए भाई साहब कि यार आप मुझे क्यों दोगे, गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं एकलव्य, कि मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको सिखाया नहीं, मैंने आपको समझाया नहीं, आप मुझे क्यों दोगे गुरु दक्षिणा। तब उसने कहा मैंने छुप छुप के आपसे शिक्षा लिए हैं। गुरुदेव के बहुत लिए गुरु दक्षिणा बहुत बड़ी बात थी। और उसने एकलव्य क्यों है वो, क्योंकि एक शब्द पे, एक लक्ष्य पे, एक लव्य, एक लक्ष्य पे उन्होंने टारगेट किया, गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, अपने शिक्षा ग्रहण किया और उसमें पूरे प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस समझते हो ना, मतलब समझते हो, अभ्यास किया उसने। और उसके बाद फाइनल वहां पर गुरुदेव ने उससे जो मांगा वो एक कहानी बनी। और आपको भी मैं कहूंगा, अगर आप थोड़ी सी इच्छा शक्ति है तो जाओ बेटा, बस हमसे फ्री में भी मांगते हो ना कोर्स, हम देते हैं, लेकिन बात यह है अगर आपके फ्री की लायक हो तो फ्री में मांगो और जैसा मांगो। लेकिन हाँ एक बात कहूंगा, टीचर्स आप सिलेक्ट करो, एक टीचर के पास आज पढ़े यूट्यूब में, दूसरे टीचर पास दूसरे पास पढ़े, अलग अलग ऐप में जाके फ्री देखे, सब फ्री फ्री फ्री, फ्री देख करके सब फ्री हो गए, एक जगह ज्वाइन करो, चाहे फ्री में मतलब ज्वाइन कर रहे हो तो भी ज्वाइन करो, एक जगह ज्वाइन करो, ताकि अगर आपका लक्ष्य एक सही टीचर है, सही एजुकेशन है, तो आप बेहतर कर पाओगे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो ठीक किसी को, तो आप भटकते रहोगे, फाइनल में यही होगा कि साल निकलती है। एक चीज याद रखना, टाइम मशीन, मैं लिख के देता हूं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना, टाइम मशीन इम्पॉसिबल है, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई साइंटिस्ट टाइम मशीन नहीं बना सकता, क्योंकि टाइम मशीन कोई चलने वाली चीज नहीं है जिसका आप गियर उल्टा घुमा दिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर उल्टा घुमा दिए, ये टाइम मशीन नहीं होता। टाइम मशीन का होता है जो चल रहा है वो टाइम है, जो घट रहा है वो टाइम है, आपका दिल का धड़कना टाइम है, घड़ी का चलना टाइम हो नहीं होता है भाई साहब, ना घड़ी के चलने को टाइम कहते हो तो वो टाइम नहीं होता, दिल का धड़कना टाइम है, किसी सामान का पड़े रहना टाइम है, किसी चीज का ना होना भी टाइम है, हो रहा है, बीत रहा है, वो टाइम है, और वो कभी पीछे नहीं कर सकते, माइनस सेकंड नहीं होता है। ये अलग बात है कि मैंने ऐसे उठाया ये टाइम है और इसी को उल्टा रील कलर कर दिए ना, तो माइनस टाइम हो जाएगा आपके रील में, आपके मोबाइल में, वीडियो में, पर मशीन जिंदगी कभी माइनस नहीं हो सकता, यानी पैदा हुआ इंसान कभी उल्टा हो करके फिर से पैदा के उल्टा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ट्रूथ मेरी सर, दावा है, ट्रूथ। हाँ मेरा दावा है। चलिए साहब आगे, सर मैं जी सर, बहुत भावनाओं में बह गया था। नहीं नहीं सर, भावनाओं में जो सही जो बातें सर आपने कही हैं वो एकदम सही हैं। अगर मैं इस चीज को इन शॉर्ट में कहूँ कि तो हर कोई बच्चा जो भारत में है, अगर वो ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है, बहुत अच्छे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको जी चेक बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए, कंटेंट को देखिए, जिनसे आपको अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर वे में, उनसे दिल से बताओ अपना अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप भारत के बच्चे हैं, अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो डाउनलोड विद्याकुल ऐप, यहाँ पे बिल्कुल विक्रम सर के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और हमारे प्रदीप सर, पूरी टीम जो हमारी विद्याकुल की टीम है, वो आपको स्कूल लेवल से लेके आईआईटी लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, फिर मॉक टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, और साथ के साथ अभी एग्जाम टाइम में सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रिवीजन कोर्सेज, वो एग्जाम सभी भी रिवीजन, आपके लिए अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, ये हमारी प्रोमिस है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, जैसा सर ने कहा, अगर आप खुद से पढ़ना नहीं चाहते तो कोई भी आपकी हेल्प
नहीं कर सकता सर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली ट्रू। तो सर, सर आज का ये हम बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं और उन सभी बच्चों को ये कहते हैं कि ये जो लाइफ का जो आपका टाइम है, स्कूल टाइम, ये सबसे बेस्ट है। इसको जो टाइम को मत गवाइए, अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे पल बिताइए, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, कभी टीचर मार देते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, वो हम सभी को आता है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि हमें नहीं आता, मन ही मन में बहुत बार आता भी है सर। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि यही टीचर हैं जिनको आप बड़े होके जरूर याद करेंगे। और तब आप एक बात अपने दिल ही दिल में ये बात कहेंगे, जैसा कि आज सर ने बताया कि कैसे उन्होंने जो कुछ अचीव किया है वो सर के से सीख के किया है। और मैं इंस्पिरेशन कहूंगा सर, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक एजुकेटर, एक टीचर हमेशा आपके साथ रहता है। हम कभी भी अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो अपने स्कूल के वो बिताए हुए पल हमेशा याद करते हैं, उन टीचरों को याद जरूर करते हैं जिनसे हमारी पिटाई हुई हो या जिनको हम प्यार करते हैं। सभी इक्वल रहते हैं सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इंजॉय योर डे। और सर थैंक यू सो मच, और जल्दी ही आपसे कभी रायपुर में अगेन मिलने का हमें मौका मिलेगा, थोड़ा ये जो सिचुएशन है ये निकले। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एग्जाम्स आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम यहाँ पे ऐसे ही आपके लिए कुछ वो यादें लेके आते रहें जो सर की बिताई हुई हैं हमारे साथ, और एक अच्छा कंटेंट लेके आते रहें ताकि आपकी एजुकेशन ना रुक पाए। और डाउनलोड विद्याकुल ऐप, जहाँ पे आपको बहुत सा फ्री कंटेंट, मॉक टेस्ट सीरीज और ई बुक्स मिल रही हैं आपके एग्जाम रिविजन के लिए। थैंक यू एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक। यस सर। हाँ सर, मैं बोला था अगर कोई नोट्स देखना है तो वेबसाइट विद्याकुल वेबसाइट पे अवेलेबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नोट्स के लिए सर, थैंक यू सो मच सर। नोट्स के लिए, ओके सर, ओके एवरीवन, बाय।